सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आज आपको कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। अगर आप ऐसे ही यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की। तो बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि उनकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है तो वो क्या करें। तो ऐसे ही मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ कि जब उसकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया था तो उसने क्या किया था। उसका एक सिंगिंग का चैनल था और वो क्या करता था कि टी सीरीज पर जो गाने आते हैं, नए नए गाने, उनको निकाल के अपनी आवाज़ में गाता था और उस पर उसी गाने का लिरिक्स या म्यूज़िक साउंड इफेक्ट निकाल के उस पर लगा देता था और गूगल से कहीं से कोई फ़ोटो निकालता था और उस फोटो पर उस गाने को लगा कर पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करता था। तो ऐसे ही करते करते उसने 4-5 वीडियो डाल दे, फिर 6 वीडियो डाल दे, फिर जब उसने 7वां वीडियो डाला तो उसकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि ये कॉपीराइट क्लेम आया तो क्यों आया, कैसे आया। फिर मैंने उसको सलाह दी कि पहले तो इस वीडियो को डिलीट कर। उसने वीडियो डिलीट करी। फिर उसके बाद मैंने उसको सलाह दी कि भाई दूसरे का वीडियो निकाला तूने, माना कि तेरी आवाज़ है लेकिन उसमें गाना उसका है, उस गाने को बनाया जिसने है, उसकी पूरी मेहनत लगी है उस गाने पे और तूने फ़ोटो भी दूसरे का यूज किया है, इस वजह से कॉपीराइट क्लेम आने का चांस बनता है। तो कॉपीराइट क्लेम आने का मतलब यही होता है कि आपने या तो अपनी वीडियो में किसी का म्यूज़िक यूज किया है या किसी का फ़ोटो यूज किया है, तभी कॉपीराइट क्लेम आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपनी वीडियो का 50% शेयर उसके साथ शेयर करना पड़ता है जिसका आपने कॉन्टेंट यूज़ किया है। और यदि आपने खुद का कंटेंट बनाया है और आपने मेहनत से उसे बनाया है तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता। बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। तो कॉपीराइट स्ट्राइक किसी एक क्रिएटर द्वारा किसी दूसरे क्रिएटर पर तभी दिया जाता है जब आपने किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो उसके चैनल से निकाल कर आपने अपने चैनल पर पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया हो, तभी कोई दूसरा क्रिएटर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। 3 महीने यानी कि 90 दिन के भीतर अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आती हैं तो आपका चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया जाता है। इसीलिए सावधान रहें कि आप कभी किसी दूसरे क्रिएटर का पूरा प्रॉपर वीडियो निकालकर अपने चैनल पर ना डालें, क्योंकि अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि आपके चैनल पर कभी एक स्ट्राइक आता है तो आपको 90 दिन का वेट करना पड़ सकता है। आप 90 दिन तक कुछ नहीं कर सकते हैं अपने चैनल पर और साथ ही आपको वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक हटने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पर एक स्ट्राइक आती है तो आप 90 दिन का वेट कीजिए, आपके चैनल से वो स्ट्राइक अपने आप ही हट जाएगी। लेकिन आप ये गलती बार बार मत कीजिए वरना आपको किसी दिन अपने चैनल से हाथ धोना पड़ सकता है। तो यही थी वो जानकारी। शायद आप समझ गए होंगे कि आपको वीडियो डालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट तो यूज नहीं किया है जिससे आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी मेहनत से अपना वीडियो शूट कीजिए, आप खुद का कंटेंट बनाएं जिससे आपकी वीडियो पर कभी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक का कभी डर ना हो और साथ ही आपको ये प्रॉब्लम कभी दोबारा फेस ना करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कॉपीराइट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर पैसा कमाने तक का सफ़र मेरे साथ तय करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।